ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल. बेटा, कल हमने डिस्कस किया था, यू वर नॉट देयर, सो मेनी स्टूडेंट्स वर नॉट देयर, बट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पेपर जो अभी हुआ था. ठीक है, उससे भी ज्यादा है कि ये चीजें बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए करनी. जो रिवाइज करवाया है, यू वर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस प्रॉपरली. यहाँ पर भी हो सकता है अटेंड नहीं हो रही हो क्लास, ठीक है ना, सुनो या मेंटली या फिजिकली, कोई अपेयरेंस तो है वहां पर, दोनों ही गायब रहती रही हैं ऑनलाइन में. फिजिकल का बच्चा है ना, फिर सीधा बैठ जाए पहले, फर्स्ट थिंग. ठीक है, कल हुआ था डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन था, जो हमने वो टेस्ट पेपर में से लिया था कि हमारे पास कितने होने चाहिए. बाय एट टीम है तो हमारे पास बाय कितने होने चाहिए, क्यों? हाँ, आठ टीम है ऐसे, मतलब गुड आंसर, जितना मर्जी दे, गुड. कैसे गितेश, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट बोला, गुड, वेरी गुड. बिकॉज नॉर्मली जो है, हो सकता है तुमने ये चैप्टर पढ़ा है, रिवीजन भी हुई है, लेट अस डिस्कस लिटिल बिट मोर. एक चीज का ध्यान रखना कि जो टीम्स के बाई होते हैं वो हमेशा ऑड नंबर से मैं मैक्सिमम, नॉट इन अ इवन नंबर. इवन नंबर्स में तो आपस में वैसे ही फाइट हो जाएंगे. ठीक है, इस चीज का. दूसरा था जो बच्चों को नॉर्मली कंफ्यूजन रहती है, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स में. कितने टाइप्स के हैं बेटे टूर्नामेंट, तेनु याद होंगे टाइप्स दस दे टूर्नामेंट दे, और मुझे लगता है मैंने डाटा है. नहीं, वैसे भी चार, तीन नहीं है. अब जो नॉर्मल कंफ्यूजन और फर्दर ना हो तुम्हें, क्योंकि आज ब्लैकबोर्ड है, ध्यान से सुन लो. टूर्नामेंट्स जो है, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स हैं, दे आर फोर. ठीक है, चार टाइप के हैं जो तुमने नाम वैसे सुने हुए हैं, जिसमें से दो के तुम्हें बहुत अच्छी तरह याद है. एक है नॉकआउट, जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है, ठीक है ना. दूसरा है बेटा लीग. लीग का दूसरा नाम क्या है बेटे, आप बताओ, एनी वन ऑफ यू? राउंड रॉबिन, ठीक है ना. और इसमें जो स्ट्रेटेजी यूज होती है काउंटिंग ऑफ मार्क्स की, उसको क्या कहते हैं? वैसे तो वो भी दो पैटर्न में होती है, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में भी आया था ब्रिटिश वाला, ठीक है, इसकी काउंटिंग का ही होता है वो, कि कैसे हमने विनर्स लूजर या ड्रॉ वाले का करना है, वो थ्रू उसके होता है. समझ में आ गया? तीसरा इसमें होता है कॉम्बिनेशन. अब इसके फोर पार्ट्स हैं फर्दर, ठीक है, इसके चार पार्ट्स हैं. जो नॉर्मली जब हम पूछते हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स, तो बच्चे उसके बाद इसी को बीच में मिक्स करते हैं. और चौथा जो है इसमें, वो है चैलेंज. आज थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है. ये इसे इलिमिनेटेड भी बोलते हैं, जैसे जैसे टीम हारती जाती है वो टूर्नामेंट से बाहर होती जाती है, ठीक है. इसीलिए ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं नॉर्मली बेटा, ये टूर्नामेंट्स का टाइम शॉर्ट होता है कंपैरेटिवली, ऑफिशियल्स कम लगते हैं, एक्सपेंसिव कम होते हैं. रीजन भी, जितने कम दिन लगेंगे उतने ऑफिशियल्स कम हायर करने पड़ेंगे, उतनी ट्रांसपोर्टेशन स्टे का जो है बाहर के, उनके लिए कम टाइम लगेगा, पेमेंट्स कम होंगी, ठीक है ना, उतने ही ज्यादा. और रिजल्ट जो है वो भी जल्दी निकल आता है, जल्दी इन द सेंस जब राउंड्स खत्म हो जाते हैं. लीग जो है ये दो टाइप में फर्दर होता है, तुम्हें पता है, एक सिंगल लीग है और एक डबल लीग है. सिंगल लीग का मतलब है कि हर टीम दूसरी टीम के साथ एक एक मैच, चाहे वो हारे चाहे वो जीते, उसने इसके साथ सिंगल में एक एक मैच है, ठीक है. और डबल में, चाहे वो हारी या टीमें आपस में जैसे भी है, उनका सबका एक एक लीग के साथ दो दो बार मैचेस होते हैं, ठीक है. उसके बाद आती है ये जो कॉम्बिनेशन का है, ध्यान से देख लो बेटा ब्लैकबोर्ड के, कई बार
चीज को ज्यादा अच्छी तरह समझा जाता है। कॉम्बिनेशन में है पहला नॉकआउट, कम नॉकआउट, अब ये है क्या है नॉकआउट कम नॉकआउट। आपने नॉर्मली देखा होगा जितने भी आईपीएल आते हैं या दूसरे आते हैं उनमें ग्रुप्स बने होते हैं टीमों के, ये इस ग्रुप में है, इतनी 8 टीमें हैं या 6 टीमें हैं या जितनी भी हैं 8 है कुछ भी है, इनको ये नॉर्मली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जितनी टीम्स आती हैं 24 है, 32 है, 31 है, जितने भी टीम्स हैं उनको किसमें किया जाता है, उन्हें 4 टीमों में, 4 ग्रुप्स में, नॉट टीमों में, ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। किसी को एक ग्रुप में डाल दिया जैसे हम नॉर्मली करते हैं, अगर आपने देखा हो बास्केटबॉल के लिए जब आपको खड़ा किया जाता है, एक को इधर भेज दिया, एक को इधर भेज दिया, एक को, वहां पर भी चाहे वो फिक्सर कैसे भी तैयार किया जाता है या कैसे भी ड्रॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग 4 उसमें डिवाइड कर दिया है। ठीक है बेटा, अब इसका एक पैटर्न बता रही हूँ, 4 पैटर्न है कैसे रिजल्ट नॉकआउट कम नॉकआउट है। यहाँ की टीम मान लो जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, इस टीम के पार्टिसिपेंट्स हैं, टीम्स हैं इसमें, उनके आपस में मैच होते हैं। ठीक है, उनके आपस में मैच होंगे, उनमें से जो विनर होगा, इसका विनर, इस ग्रुप के जितनी टीम्स थी उनमें से फाइट होके नॉकआउट में जो विनर होगा, सेम विद दिस एंड सेम विद दिस। ठीक है, 4 आ गए, 4 ग्रुप के 4 विनर्स आ गए, नॉकआउट हो गया तो उससे ये 4 विनर्स आए हैं। अगेन इन अ पैटर्न ऑफ नॉकआउट ओनली दे हैव टू प्ले, वो नॉकआउट सिस्टम में ही खेलेंगे। इसका मतलब ए बी सी डी है, चाहे बी ए का डी के साथ जैसे मर्जी करवा दें। ठीक है, 2 मैचेस हो गए, इसका और इसका करवाया, इसमें से एक विनर टीम आ गई, इसका और इसका करवाया उसमें से, अगर ये भी नहीं है तो तुम्हें और इजी, मतलब यही पैटर्न को सिखा है, दिख रहा है विजिबल है बेटा, इसका मैच इसके साथ करवाया, इसके इसके साथ करवाया, इनमें से विनर आ गई टीम्स, अब इनका मैच करवाकर हमारे पास फाइनल टीम आ गई। ये कौन सा पैटर्न था, ये नॉकआउट है, नॉकआउट कम नॉकआउट, यानी कि जो पूरे ग्रुप्स के थे उनको भी नॉकआउट में हमने खेला है, उसके बाद जो हमारे पास फाइनलिस्ट आए हैं उनको भी हमने नॉकआउट में, दिस इज कॉल्ड नॉकआउट कम नॉकआउट। अब दूसरा है नॉकआउट कम लीग। ठीक है, दूसरा कौन सा है, नॉकआउट कम लीग। नॉकआउट ऐसे ही करना है, हमने विनर्स निकाल लिए, अब लीग आउट में कौन से मेथड होते हैं, लीग के कौन कौन से मेथड है, हैं वो तो टाइप है ना, सिंगल टाइप है, डबल टाइप है, मेथड कौन कौन से हैं लीग मैचेस करवाने के, नहीं चलो कोई बात नहीं, रिवीजन या तुम्हें पैटर्न नया यह सोचो आज ही आयो, इसमें आपको एक सर ने बताया होगा साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस, लैडर मेथड इसका नहीं है, नहीं हाँ वो चैलेंज का मेथड है, इसमें और कौन सा है, टेबुलर फॉर्म, सर ने टेबुलर फॉर्म बताया था आपको, ठीक है सॉरी, इनमें से कोई भी तरीका ले सकते हैं। ठीक है बेटा, अब साइक्लिक मेथड में या हम स्टेयरकेस में या हम इसमें, ये चारों टीमों का आपस में मैच करवाएंगे, हर एक का आपस में मैच है, तो हमें मार्क्स कैसे पता चले, मीन्स हमें विनर टीम कैसे पता चलेगी, जब सारी एक दूसरे के साथ खेल रही हैं, हारी हुई भी खेल रही है, जीती हुई, बता कल बताया था कैसे होगा, विनर टीम का कैसे पता चलेगा, किसी में भी लीग में विनर टीम का कैसे पता चलता है, मेथड तो मैंने दिखाया ही नहीं है, मैंने ये पूछा है कि विनर टीम का कैसे पता चलेगा। ओके ठीक है, पॉइंट्स, अब पॉइंट्स कैसे लेने हैं पता, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट्स मेथड होता है, ये मिटा दो एक बार, है ना आप तो ये समझ आ गए,
इसके फॉर्म बेटे एक चार्ट बनता है, एक चार्ट बना होता है, एक मिनट टीम मैचेस प्लेड, ठीक है, उसने कितने मैच खेले हैं, उसने मैच विन कितने किए हैं, उसने अगर लॉस किया या लूज किया तो वो कितना है, और कई बार ऐसे भी होता है टीम ड्रॉ भी हो जाती है, ड्रॉ भी हो जाता है ना, कई बार हम मैचेस देखते हैं ड्रॉ, और उसके बाद टोटल मार्क्स, ठीक है। मान लो पहली टीम है, उसने चार मैचेस, सबने चार चार खेलने ही है, ठीक है, इसमें से चार मैचेस, सॉरी यहाँ पे लिख दिया, इसने तीन मैच जीत लिए हैं, इसका मतलब बाकियों में से सिर्फ एक टीम कोई होगी जिसने एक मैच जीता है, बाकी के तो जीरो ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, क्योंकि टोटल मैच कितने हैं चार, इसने तीन मैचेस जीते हैं, ठीक है, इसने एक मैच इसका मतलब लूज किया है, चार टोटल हैं, तीन अगर जीते तो एक मैच उसने हारा ही होगा, ये हो सकता है उसने हारा हो सकता है उसने उसे ड्रॉ में किया हो, ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि उसने हारा नहीं, जो उसका चौथा मैच था वो उसने ड्रॉ की, ड्रॉ हुआ हो किसी के साथ। अब इसके नंबर टोटल कितने लगेंगे बेटा, विनिंग के वो नंबर देते हैं नॉर्मली तीन या पांच रखते हैं, कोई भी टीम जीतेगी उसको हमने पांच या तीन नंबर या चार जैसे भी, इसका जीरो मिलता है जो लूज किया होता है, ड्रॉ में एक नंबर दोनों टीम्स को मिलता है जो आपस में खेलती हैं, तो इसके यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं, तीन मैच जीते हैं, विनिंग के तीन नंबर रखे थे, तीन तीन या नौ और एक दस, इसके दस हो गए, बाकी टीमों के भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हमें पता चल जाएगा जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे दैट विल बी द विनिंग टीम। क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गई बात कि जो जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे वही विनर होगा, वही। ये था नॉकआउट कम नॉकआउट। दूसरा इसका पैटर्न है नॉकआउट कम लीग, वो अभी समझाया है। तीसरा है लीग कम लीग, ये लॉन्ग प्रोसीजर होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, ऑफिशियल्स ज्यादा चाहिए हैं, एक्सपर्टाइजेशन ऑफ डिफरेंट टीम्स जो है वो ज्यादा, स्किल्स जो है वो ज्यादा एक्सप्लोर होते हैं, लेकिन कई बार ये बोरसम भी हो जाता है, जो परफॉर्मेंसेस है, जो एंथुस है वो खत्म हो जाता है लॉन्ग प्रोसीजर में जाने के कारण भी, लेकिन ये काम चलते रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, इसी पैटर्न में पहली बार भी होगा, हर टीम दूसरी टीम के साथ लड़ेगी और जीत के अपने अपने ग्रुप में से पहले विनर होगी, फिर उसके बाद वो दूसरी बार वो जो चार टीम होंगी उनका भी लीग मैच होगा। समझ में आ गया, जहां पर लीग कम नॉकआउट है इसका मतलब पहले जो टीमें हैं हाईएस्ट वाली अपने ग्रुप्स की वो आ जाएंगी, उसके बाद उनका आपस में सिर्फ एक बार फाइट करवा के विनिंग कर, दैट्स ऑल, ठीक है। अब एक है चैलेंज, चैलेंज में सबसे ज्यादा जो मशहूर है वो है लैडर। इधर बेटे इधर देख लो, उधर मुंह तो लैडर नहीं बनी, इधर देख लो प्लीज। है लैडर जो है ये नॉर्मली जो है ये चैलेंजेस होती है इंडिविजुअल में, ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो चैलेंज कर देते हैं कि आई एम बेटर देन दैट टीम पर्सन या इंडिविजुअल या जो भी खेल रहा था, तो या तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम हुई है या जजमेंट, या मैं नहीं मानता हूं मेरी फाइट इसके साथ होनी चाहिए। मान लो लैडर सिस्टम ऐसे होता है बेटा, ये जितने बच्ची हो वहां तक के दे देते हैं हम, इसे एबीसीडी का नाम या वन टू जो भी दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। मान लो कि ये टेबल टेनिस का था, सिंगल का था, ए वाला टीम है, ठीक है, जो ए आया, बी आया, सी आया, डी, डी को ऑब्जेक्शन है कि आई एम बेटर देन बी, तो उसकी फाइट जो है वो डायरेक्ट बी से नहीं करवाई जाएगी, उसकी पहले सी से करवाई जाएगी, ठीक है बेटा। इन केस वो जीत जाता है सी से, तो सी की पोजीशन डाउन चली जाएगी, डी की ऊपर आ जाएगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। उसके बाद उसका चैलेंज जो था वो किसके साथ था, बी के साथ, उसने बी के साथ फाइट करनी है, ठीक है, इसने अगर जीत जाएगा तो बी वाला यहां पर आ जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं करता तो वो इसी पोजीशंस में रह जाएंगे, यानी कि अगर ये ए के साथ भी चैलेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी किसी के साथ नहीं, वो चैलेंजिंग पे उसमें तभी क्रॉस वेब
या स्पाइडर के वेब जो है ना उस फॉर्म के भी बने हुए होते हैं। इसके अलग अलग मेथड मींस दिस इज द वे नॉट डायरेक्ट गो टू द टॉपर या उस टीम के साथ चैलेंज के उसके अगर बीच में हर्डल्स हैं पहले उनको उसे क्रॉस करना पड़ेगा। कहने का पर्पस ये है लैडर में तभी इजिली समझाया जा सकता है इसलिए पहले ये वाला करते हैं। पिरामिड्स भी होता है इसमें पैटर्न, इसमें वेब भी होता है। ये है कि वो डायरेक्ट नहीं टॉपर को या किसी को चैलेंज अगर वो कर रहा है तो उसको पहले उसके नीचे जो हैं जितने जीते हुए हैं या स्टेप जो पोजीशंस में है पहले उनको साथ फाइट करनी पड़ेगी उसके बाद लॉन्ग वे टू गो देयर। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। ये फर्स्ट चैप्टर की है वैसे आपकी लेकिन रिविजन हो गई है एक तरीके से साथ के साथ। ये पहला चैप्टर था जो मैंने आज ये साथ के साथ करवा रही हूँ। खोले आए गुड। हमने ना कल जो बच्चे आए थे बीसी के आप भी नहीं आए थे, चलो एनी हाउ कल बी सेक्शन स्टार्ट किया था क्योंकि ए हमने कल डिस्कस कर लिया था जो क्वेश्चंस आए थे और जो बच्चों की नॉर्मली। कल हम कर रहे थे कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है, ठीक है ना, और वहां 29 अगस्त। नॉर्मली क्या है बेटे कि स्पोर्ट्स डे और नेशनल स्पोर्ट्स डे में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। जब भी कभी अगर आता है राइट अ नोट ऑन या उसमें जो बी सेक्शन तो वो क्या करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में लिख देते हैं या उसकी डेट वगैरह देते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्पोर्ट्स डे एंड अ नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे का मतलब है पूरे नेशन के द्वारा स्पोर्ट्स डे की सेलिब्रेशन करनी, वो होती है 19 अगस्त को। क्यों होती है बेटे किसके वाई ऑन 29 अगस्त को ही क्यों होती है नहीं पता है। नहीं पता है, चलो वैसे मैं खुद बता देती हूँ लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हमने आपको शायद स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स डे पर हर क्लास में ये वीडियो सर्कुलेट हुई थी जिसमें टोटल इसके बारे में बताया गया था एंड इट वॉज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर प्लस वन एंड प्लस टू। लेकिन सॉरी कि टाइम नहीं है तुम्हारे पास भी उसको देखने का वो वीडियो का। आई विल पुट दिस वीडियो वंस अगेन इन फिजिकल एजुकेशन ग्रुप में भी मैं डाल दूंगी, उसे जरूर वॉच करना, इट इज वेरी बेनिफिशियल। पर मैं इसका आउटर पार्ट बता देती हूँ। हाँ, 29 अगस्त को हमारे देश के मेजर ध्यानचंद का बर्थडे सेलिब्रेशन होती है। जो मेजर वर्ड है आर्मी का वो भी उसको ऑनररी मिला था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ परमानेंट एंड अ ऑनररी। टू गिव अ ऑनर टू समवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दे गिव अ वन मोर पोजीशन टू देम, उनका डेजिग्नेशन जो है वो चेंज होता है, ठीक है ना बेटा, उसमें एक ऐड कर देते हैं। ये जो था ये हमारे देश के वो जिसे हम हॉकी का जादूगर कहते हैं, ठीक है, क्या कहा जाता है इन्हें, विजिट ऑफ या लेजेंड विजिट ऑफ हॉकी। ही वॉज अ पर्सन जिसने हमारे ओलंपिक्स में टिल 48 तक जितनी बार हुए थे उसमें हमारे कंट्री का क्या आया था, गोल्ड मेडल ओलंपिक में आया था और सब हैरान होते थे, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के बैटमैन ने कहा था कि ये गोल कर रहा है कि रन ले रहा है, मीन्स द स्पीड ऑफ टेकिंग अ गोल इज सो फास्ट। दांत टूट गया, नंगे पांव तक इन्होंने खेला है बिकॉज ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, दैट्स व्हाई ही इज नेम। और सबसे ज्यादा अचीवमेंट ये हुई कि इस साल उन्हें नेशनल स्पोर्ट्स डे पे जो हमारा हाईएस्ट जो आपको पहले करवाया गया है अवार्ड्स में, अर्जुन अवार्ड वगैरह बताया है ना सर ने आपको, हाँ, उसमें से राजीव खेल रत्न अवार्ड को चेंज करके मेजर ध्यानचंद का नाम दिया गया एंड दैट इज द हाईएस्ट ऑनर्ड अवार्ड इन इंडिया फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, इसकी काबिलियत। और इस साल हमें सिर्फ 42 इयर्स के बाद ब्रॉन्ज मेडल मिला है हॉकी में। इट वाज नॉट इजी, इंटरनेशनल लेवल पे कभी इंडिया का नाम इतना होता था कि हॉकी में सिर्फ इंडिया ही इंडिया होती थी, ठीक है। ये उस लेजेंड के बारे में है, उसके डे के सेलिब्रेशन के लिए 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। और इस दिन जितने भी प्लेयर्स वगैरह रिनाउंड प्लेयर्स हैं या जिनके नेम्स वगैरह नॉमिनेट किए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए उन्हें उस दिन ऑनर किया जाता है, चाहे वो अर्जुना है, पद्मश्री है, द्रोणाचार्य, जो भी है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें ये
स्पोर्ट्स डे सिंपल वो होता है हर एक इंस्टीट्यूट का अपना अपना, कब कंफर्टेबल फील करते हैं, कब ये करवाया जाता है। नॉर्मली एक दिन का कंप्राइजेस, दो दिन का या पांच दिन का अगर बड़ा इंस्टीट्यूट हो तो ये रखते हैं, जिसमें एथलेटिक्स होती हैं, डिफरेंट गेम्स होते हैं, एंटरटेनिंग गेम्स होती हैं बच्चों के लिए, उसमें कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, साथ के साथ ड्रिलिंग्स वगैरह विद अ ग्रुप के साथ, काफ़ी सारी रिदमिक या कम्बैट्स वगैरह, ये सारी जो है एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं फॉर द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। ठीक है बेटा, स्पोर्ट्स डे है वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का होता है या पर्टिकुलर जैसे हमारे स्कूल का या किसी भी स्कूल का। ठीक है बेटा, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड बाय होल ऑफ द कंट्री एंड दैट इज ओनली ऑन 29th August। अब इसी में साथ में चल रहे हैं इसलिए मैं एक और चीज बता देती हूँ, इससे रिलेटेड हमारे चैप्टर में है स्पेसिफिक रंस। आपने शायद वो खोल के अगर बुक देखी हो उसमें होगा स्पेसिफिक रंस, अलग अलग तरीके की दौड़ें जो हैं वो अलग अलग पर्पस के लिए करवाई जाती हैं। आपने पढ़ा होगा कई बार सिटी इंस्टीट्यूट इज मेकिंग अ हाफ मैराथन रेस, क्रॉस कंट्री रेस हो रही है, रन फॉर दिस टू कलेक्ट टू अवेयर द पीपल रिगार्डिंग द प्रेजेंट एंड डिजीजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस के लिए उन्हें अवेयर करना, उसके बारे में ज्ञान देना, उसके पोस्टर्स लगाने या ऐसी एक्टिविटी करवानी, फंड्स कलेक्ट करने और ये सारी चीजें करवाई जाती हैं। दैट इज फॉर रन फॉर हेल्थ टू अवेयर द पीपल फॉर द फिटनेस ऑफ द बॉडी, रन फॉर एनी डिजीजेस, रन फॉर सिंपली फन, हर एक का अलग अलग नेम भी होता है और वो अपनी अपनी स्टेट में या एरिया में करवाए जाते हैं ऑर्गेनाइज करवा के, ताकि अपने अपने एरिया के सिटीज के लोगों को पर्टिकुलर चीजों के बारे में अवेयर किया जाए। आजकल तो खैर 2 साल से पैंडेमिक का ही, कोविड का है, उसकी अवेयरनेस के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ही नहीं चल रहा है, उसके साथ अगर आप देखो तो 2 साल से जैसे ये स्टार्ट हुआ है थोड़े टाइम बाद भी उन्होंने फोन पे अवेयरनेस शुरू किया है, वेन एवर यू कॉल बिफोर दैट दे विल अवेयर यू रिगार्डिंग दिस, इतनी दूरी बना के रखनी है, ये कवर करना है, ऐसे रहना है, मिनिमम वो करना है, ये सारी चीजें क्या है। अगर हम दिन में 3-4 भी फोन करते हैं, इसके बाद हम 3-4 बार तो इसे सुनते हैं, इट इज मस्ट, हमारे लिए ऑब्लिगेटरी है सुनना है। और क्यों सुनना है, ये नहीं कि ये बोली जा रहे हैं बंद कर दो, ये है कि ये हमें अवेयर कर रहे हैं हर पीपल को। और लोगों का कहना है कुछ नहीं होता, उनका एक बहुत सा बड़ा सा वर्ड है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एंड आई टेल यू, ये वाकई ही लोग ये बोलते हैं ना, सब भगवान करे सब ठीक रहे, लेकिन जिनके घरों में हुए हैं और जो इस पैसेज से गए हैं ना पाक से, दे कम टू नो दैट इट इज सो सीयर, अलॉन्ग विद द मनी हेल्थ एंड द साइड इफेक्ट्स, वो अभी तक लोग प्रॉपरली फिजिकली फिट नहीं हुए। फिजिकली क्या, नॉर्मली फिटनेस नहीं है, फिट भी नहीं है उनके साइड, क्योंकि जो भी ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन अगर ऑन द स्पॉट दी गई हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। और इतना सीवियर रहा है कि लॉस तो हुई है, ठीक है, जिनके घरों के गए हैं या जो, हमें इन चीज़ों को, वी आर बट नेचुरल बेटे, आप पढ़ रहे हो हम पढ़ा रहे हैं, वी शुड अवेयर, हम इसीलिए बोलते हैं दूरी बना के रखो, अदरवाइज हमें क्या है। यू पीपल आर नॉट ओनली इफेक्टेड, ये सोचो तुम अपने साथ अपनी फैमिली के लिए भी कैरी करोगे। इफ यू लव योर फैमिली यू कैन मेंटेन दैट थिंग्स, अगर तुम्हें है कि कुछ नहीं होता तो फिर ठीक है, इट्स गुड, ठीक है, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन, दैट इज हेल्दी वेट हेल्प्स इन लोअरिंग विच डिजीज। हेल्दी वेट, हेल्दी वेट का मतलब हेल्दी, अब हेल्थ, हेल्दी वेट कौन सा होता है ये भी बता दो, डेफिनेशन ऑफ उसकी बताओ, हेल्दी वेट किसको कहेंगे बेटे। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स के एप्रोप्रिएट जो एवरेज पे आता है वो है, ना बिलो ना ओवर ना ओबीस में,
ठीक है, उसको क्या होगी, कम से कम बीमारियां होंगी, बाकी तो गॉड का है, ठीक है। लेकिन हाउ वी कैन मेंटेन आवर हेल्थ, कुछ चीजें नो डाउट बेटा हेरिडिटरी भी रन करती हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज करने से काफी चीजें रिमूव होती हैं। स्ट्रेस लेवल आजकल बढ़ा हुआ है, ठीक है, उसका मेन रीजन जो है वो स्ट्रेस लेवल का, दैट इज योर लाइफ स्टाइल, नॉट डजेंट मीन्स योर लाइफ स्टाइल मीन्स पीपल्स, एवरीवन्स लाइफ स्टाइल इज डिफरेंट, दैट्स वाई वी आर प्रोन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। कईयों के सुनो गोडे नहीं चल रहे, पंजाबी कहने है ना, ऐसे हो गया, फ्रोजन शोल्डर्स का आजकल बहुत रिवाज हो गया है, यह सब कुछ है, ठीक है, है ना, या बीपी है, इसको इसको बहुत हाई, इसको शुगर है, इसको है, ये नहीं कि होते नहीं। अगर आप कभी भी आपके दादा दादी या उनसे बड़े, एट दैट टाइम द लाइफ वॉज वेरी स्ट्रगलिंग, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमारा सिर्फ और सिर्फ सिटिंग एंड मेंटल, दो चीजों पे हम स्ट्रेस देते हैं, फिजिकल पर तो हमारा बिल्कुल ही नहीं गया, और लाइफस्टाइल जो है वो हमारी हर एक चीज को दर्शाता है, लाइफस्टाइल जो है दैट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने में भी लाइफस्टाइल ही है, बीमारियों को न्योता देने में भी लाइफस्टाइल ही है। अगर अच्छा लाइफस्टाइल होगा तो नहीं, अगर आपने पुराने उनसे लोगों से सुना होगा ना, अपने जो दादा दादी या उनसे, तो वो बोलेंगे हम सुबह इतने बजे उठते थे, उसके बाद उनके सारे काम खुद थे, पानी कुएं से भर के लाना, कपड़े धोने, वो भी हाथ से, सीटिंग अरे सारा वर्किंग था, उसके बाद घर की काम करना, हर चीज था, उससे क्या था, एक्टिविटीज हो जाती हैं। मान लो अगर मैं बैठी हूँ और मुझे ये चीज चाहिए, आई हैव टू स्ट्रेच माई आर्म्स, आई हैव टू स्ट्रेच माई होल बॉडी, आजकल क्या है, टर्न किया, यहाँ से स्लैब से लिया, यहाँ रखा, यहाँ मिक्सी किया, इवन वी आर देयर, हम भी उसी पार्ट, इसी के पार्ट है ना, उस टाइम ये चीजें नहीं थी। पंजाबी कहते हैं नलका, दे हैव टू डू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम देयर, या दूर से लाना पड़ता था, इतने कदम चलना, या पैदल ही थे, कम्यूटिंग जो थी वो इतनी हाई और ऐसी नहीं थी, किसी किसी के पास साइकिल होती थी और कितने कितने मील पैदल ही जाना है, तो खाना पचना, और रात को लाइट ना होने के कारण उन्होंने लालटेन या दिए से बिफोर एंडिंग ऑफ द डे, ठीक है ना, डॉन पे ही उन्होंने सबने खाना खा लेना और उसके बाद सो जाना। जब हमारी स्लीप 8 घंटे की या 7 घंटे की होगी, हमारी बॉडी के वो सेल्स और टिश्यूज जो टूटे हैं पूरे दिन में काम करके, उसकी रिपेयरमेंट हो गई है, हमारी बॉडी रिफ्रेश हो गई है, हमारी वर्किंग एनर्जी बढ़ गई है, हम दूसरे काम के लिए, दूसरे दिन के काम के लिए हम तैयार हैं। अभी कंपेयर करें, रात को हम कई बार 2 बजे सोते हैं, ऑनलाइन है 3 बजे सोते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, सुबह नहीं उठे, सुबह नहीं उठे, हमने फ्रेश एयर नहीं ली, फिर टाइम ओहो इतने बजे ये काम करना था, ये देना था, ये हो गया, वी आर इन अ हैरिड, हैरिड के साथ हमारा लेवल बढ़ेगा, हमारा बीपी भी बढ़ेगा, और ऐसे वर्किंग में शुगर जो है वो नॉर्मली बढ़ती बढ़ती, ठीक है। एक स्ट्रेस शुगर होती है, एक हेरिडिटरी होती है, आम लोगों को स्ट्रेस शुगर ज्यादा होता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और पढ़ना शुरू कर दो बेटे, अब तो पता है ऑफलाइन पे ही आना है, और पेपर भी आपके ऑफलाइन पे ही होने हैं बच्चे, इफ यू कम टू, इसलिए स्टार्ट एंड डू द